कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज जो है ना, मेरी तबीयत बहुत ढीली है। कल रात भर बुखार आया है मुझे, और कल ब्लड प्रेशर भी हाई था। पता नहीं क्या हो गया, मतलब मैं कुछ सोचती हूँ तो सोचने में ही रह जाती हूँ, तो उस वजह से मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब हो जाती है। तो आज भी मतलब हालत ख़राब भी है, बुखार आया हुआ है। और अभी काम हो गया है, चाहे तबीयत कैसी भी हो काम तो करना ही पड़ता है यार। और खैर, ससुराल में तो सब कुछ करना पड़ता है, मायके में तो चलो सब लोग माँ के जैसा तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये बात तो सच है। और अभी फ़िलहाल जो है मैं जा रही हूँ नीचे, मिट्टू को नहला धुलाती हूँ। और मैंने नहा धो लिया है, खाना पीना भी बन गया है, भात और चने का पिसवा बनाया मैंने, चने को पीस करके उसकी सब्जी बनाई है, और भात गैस पर चढ़ा दिया है। मिट्टू को नहलाती हूँ और आप लोग बने रहें लास्ट तक मेरे ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे बिट्टू को नहलाने के लिए। जा रहे हो? अभी मैं जा रही हूँ गीजर से पानी लेने, बाथरूम से, क्योंकि बिट्टू धूप में नहाता है तो पानी लेके धूप में नहलाती हूँ उसको। और मतलब ना खड़े होने की भी हालत नहीं हो रही है, खड़े हो रहे चल रही हूँ तो चक्कर से आने लग रहे हैं। पानी ले लेती हूँ इसके लिए, फिर इसको नहलाती धुलाती हूँ, फिर थोड़ा सा आराम करूँगी टाइम मिला तो। पानी की बाल्टी जो है लगा दी है मैंने भरने के लिए, क्योंकि बहुत धीरे धीरे से आता है पानी उस वाली टंकी में, गीजर वाली, बहुत धीरे धीरे से आता है, तो वो भर जाएगी। तब तक मैं यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ और फिर बिट्टू को नहलाती हूँ। यार पता नहीं क्या हो रहा है, बता मतलब तो आजकल बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है। मतलब आज कम से कम हो गए हैं 7-8 दिन, मतलब बीच में तो नॉर्मल ही चल रही थी, लेकिन मतलब परसों से तो ज़्यादा ही हो रही है, कल से तो फिर ज़्यादा ही हो रही है। कल तो मेरा बीपी भी बहुत हाई हो गया था। पता नहीं क्या यार क्या होता है अपने आप ही, पता नहीं ऐसा पूरी बॉडी एकदम से कांपने लग जाती है। कल रात भर बुखार, उल्टी, दस्त, ऐसी परेशानी हुई है, क्या ही बताऊँ मैं। और सुबह से उठी हूँ तो एक मिनट आराम भी नहीं करा है मैंने। और सुबह मम्मी लोग कहीं चले गए थे, कोई गाँव में ही आमा है ना, तो वो ख़त्म हो गई थी तो वहाँ चले गए थे, तो अभी आए मम्मी लोग और मेरा खाना पीना बन गया था, उसके बाद ही आए मम्मी लोग। और पानी भर के ले जाती हूँ, भर गया है, और उसको नहलाती हूँ पहले। ये है हमारी फुलवाड़ी, फूल बोए हम लोग, मतलब बेचते भी हैं फूलों को। ये है पूरा, यहाँ ना सारी वैरायटी के फूल रखे हुए हैं। ये मेरे चाचा ससुर का है, मम्मी और बिट्टू यहाँ पर धनिया तोड़ रहे हैं। मैं पानी लेके आ गई हूँ और बिट्टू को नहलाती हूँ। अभी के लिए जो है व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के साथ आप लोगों को पता है यार, एक माँ होना, घर की जिम्मेदारी, सब चीज़, मतलब सब चीज़ को देखना पड़ता है। अभी बिट्टू थोड़ा सा आराम करेगा तो उसको, मैंने उसको सुलाया भी नहीं आज सुबह से, ताकि मेरा सारा काम होए तब वो सोए, तो साथ में मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो अभी दवाई खाती हूँ, फिर देखो तबीयत कैसी होती है। तो अभी अगले व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। जय माता दी, वंदे मातरम, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।